दुर्ग जिले के चर्चित रसमड़ा हत्याकांड की अनसुलझी पहेली दुर्ग पुलिस ने आखिर सुलझा ही ली। इस मामले में पुलिस द्वारा मृतक की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। दुर्ग जिले के चर्चित रसमड़ा कांड के आरोपी को आखिरकार दुर्ग पुलिस ने पकड़ ही लिया। इस मामले में आरोपी को तलाशना और मृतक की पहचान साबित करना दोनों ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। इस अंधे कत्ल की वारदात के तार से तार जोड़ती दुर्ग पुलिस ने हत्याकांड के 6 महीने बाद आरोपी को खोज निकाला। वारदात के दिन सूचना पाकर आम बसाहट से दूर मंदिर के चबूतरे पर जब पुलिस पहुंची, तब भी अजरी लाश की आग सुलगी रही थी। आरोपी और मृतक की पहचान को लेकर दुर्ग पुलिस ने और भी कई पड़ताल किए, पर अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। अब जब आरोपी रामचरण चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में आया, तो मृतक की भी जानकारी हासिल हुई, पर उसका नाम राजू होने के अलावा और कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसकी जानकारी तलाशने में दुर्ग पुलिस फिर से जुट गई है। इस संबंध में दुर्ग पुलिस के एडिशनल SP अभिषेक झा ने अपनी जानकारी मीडिया के समक्ष दी। ये जो मामला है वर्ष 2023 के जुलाई महीने में घटित हुआ था, चौकी अजोरा के अंतर्गत रसमड़ा गांव में। उसमें अपराधी जो है वह अभी तक फरार था, जिसे आज दुर्ग पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये जो घटना थी वो एक अंधे कत्ल के रूप में था, क्योंकि जो मृतक था उसको जला दिया गया था, इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गई थी। अभी पुलिस के द्वारा जब संदेही से कड़ाई से पूछताछ किया गया, उसको हिरासत में लेके, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो व्यक्ति था जो उसे अचानक से मुलाकात हुई थी उसकी, फिर उसके साथ आकर वो रहने लगा वहाँ पर। और उस घटना दिनांक को एक छोटी सी बात में दोनों के बीच में बहुत विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई, तो इसी दौरान वो तहस में आके टंगिया उठा के उसको मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी अपने घर आया था, छुपते छुपाते रह रहा था, फिर आज घर आया था, घर से वो स्टेशन की ओर जा रहा था, सूचना मिलने पे पुलिस उसको ग्रीन चौक के पास से गिरफ्तार किया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।